हेलो फ्रेंड्स, क्लासेज इन लॉकडाउन में एक बार फिर से आपका स्वागत है। केमिस्ट्री में अपन थर्ड चैप्टर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के बारे में स्टडी कर रहे थे, जिसमें पिछले वीडियो में हमने चालकता के बारे में पढ़ा था, चालकत्व और चालकता इसके बारे में स्टडी की थी। आज आगे अपन पढ़ेंगे तुल्यांकी चालकता और उसके बाद में पढ़ेंगे मोलर चालकता। जो विद्युत अपघटनीय चालक होते हैं, एक तो हमने पढ़े थे धात्विक चालक और एक पढ़े थे विद्युत अपघटनीय चालक। जो धात्विक चालक होते हैं उनमें धारा प्रवाह के दौरान किसी प्रकार का रासायनिक परिवर्तन नहीं होता है, इसलिए उनके लिए तो केवल चालकत्व या प्रतिरोध का ही अध्ययन किया जाता है। लेकिन जो विद्युत अपघटनीय चालक हैं, इनमें जैसे जैसे धारा का प्रवाह होता है तो एनोड और कैथोड पर रिएक्शंस होती हैं, यानी इनका रासायनिक संगठन चेंज होता है, बदल जाता है। इसलिए इनके लिए अपन चालकता, तुल्यांकी चालकता और मोलर चालकता की बात कर रहे थे। तो चालकता के बारे में हमने पढ़ लिया था, आज हम पढ़ेंगे आगे तुल्यांकी चालकता, फिर उसके बाद में पढ़ेंगे मोलर चालकता। देखिए तुल्यांकी चालकता क्या होती है। मान लीजिए ये कोई दो इलेक्ट्रोड है और ये इन दोनों से मैंने वायर जोड़ दिया। इन दोनों इलेक्ट्रोडों के मध्य अपने को एक विलयन बनना है। विलयन का अपने को ध्यान ये रखना है कि विलयन का आयतन मात्र 1 ml होना चाहिए। इन दोनों के मध्य हम 1 ml विलयन भरेंगे तथा दोनों इलेक्ट्रोडों के मध्य 1 cm की दूरी होनी चाहिए। इनके बीच में ये जो दूरी है ये 1 cm होनी चाहिए, दोनों इलेक्ट्रोडों के मध्य 1 cm दूरी, और इसके मध्य मैंने 1 ml विलयन भर दिया है। ये जो 1 ml विलयन बनाया आपने, विलयन कैसे बनता है? विलायक प्लस विलेय, विलायक प्लस विलेय। तो ये जो अपना 1 ml विलयन है, ये बनाने के दौरान उसमें आपको विलेय पदार्थ 1 g तुल्यांक घोलना होगा। आप जो भी विलायक है, आपका जल है, उसमें 1 g तुल्यांक विलेय पदार्थ घोल करके आपको 1 ml विलयन तैयार करना है, और उस 1 ml विलयन को हम यहां पर 1 cm की दूरी पर रखे हुए दो इलेक्ट्रॉनों के मध्य भर देंगे। ये 1 ml विलयन मैंने यहां पर भर दिया, और अब इसमें से हम धारा प्रवाहित करेंगे दोनों वायर्स को बैटरी की सहायता से जोड़ करके। तो धारा प्रवाह के दौरान यहां पर आयनों के द्वारा जो चालकता उत्पन्न होगी, चालकता के बारे में हमने पहले पढ़ लिया था, कप्पा विशिष्ट चालकत्व भी कहते हैं इसको, जो विशिष्ट प्रतिरोध होता है, प्रतिरोधकता रो, उसके व्युत्क्रम को कहा था हमने चालकता। तो ये जो हमने विलयन भरा है 1 ml विलयन यहां पर, इस 1 ml विलयन की जो चालकता होगी, इस 1 ml विलयन की चालकता, इसकी चालकता को ही हम कहेंगे तुल्यांकी चालकता। इसको लैम्डा ई के द्वारा डिनोट करते हैं तुल्यांकी चालकता। तो इसके द्वारा जो उत्पन्न चालकता है उसकी तुल्यांकी चालकता कहते हैं। तो देखिए तुल्यांकी चालकता की परिभाषा क्या होगी। 1 cm की दूरी पर रखे हुए दो इलेक्ट्रोडों के मध्य 1 ml विलयन, के मध्य 1 ml विलयन जिसमें 1 g तुल्यांक विलेय पदार्थ घुला हुआ हो, भरने पर विलयन की चालकता, विलयन की चालकता को ही तुल्यांकी चालकता कहा जाता है। 1 cm की दूरी पर रखे गए दो इलेक्ट्रोडों के मध्य 1 g तुल्यांक विलेय युक्त 1 ml विलयन बढ़ने पर विलयन में उत्पन्न चालकता, विलयन के आयनों की जो चालकता होती है, विलयन में उत्पन्न चालकता को ही तुल्यांकी चालकता कहा जाता है। यानी कप्पा किसके बराबर हो गया है, तुल्यांकी चालकता लेमड़ा ई के बराबर हो गया, इक्वल हो गया। तो मैं ये लिख सकता हूं कि जो तुल्यांकी चालकता है लेमड़ा ई, ये किसके इक्वल है, कप्पा के इक्वल। लेकिन 1 ml विलयन में 1 g तुल्यांक पदार्थ का घोलना संभव नहीं है। 1 ml बहुत ही कम आयतन है, 1 ml 1 L का 1000वां भाग, और उसमें हम ये कह रहे हैं कि विलेय पदार्थ का 1 g तुल्यांक घोल दें, जो कि संभव नहीं है। इतने से कम विलयन में इतना विलेय पदार्थ नहीं घुलता है कभी भी, मात्र 1 ml विलयन में इतना विलेय पदार्थ घोलना संभव नहीं।
तो 1 ml विलयन में तो ये पदार्थ घुलेगा नहीं, तो अपन क्या करते थे इसका आयतन बढ़ा देते हैं, और 1 ml की बजाय मान लीजिए मैं यहां पर Vml आयतन भर देता हूं, जो विलयन भरा है उसका आयतन बढ़ा करके कितना कर देते हैं, Vml कर देते हैं। 1 ml के लिए ये जो सूत्र मैंने लिखा है ये 1 ml के लिए, 1 ml के लिए तुल्यांक की चालकता बराबर चालकता, लेकिन अब आयतन कितना कर दिया आपने, V गुणा कर दिया, तो तुल्यांक की चालकता भी V गुणा बढ़ जाएगी। जैसे आप आयतन को 1 ml से मान लो 2 ml करते, डबल करते, तो तुल्यांक की चालकता 2 गुणा हो जाती, चालकता से डबल हो जाती। अगर आप आयतन को 3 ml करते तो जो तुल्यांक की चालकता है वो चालकता से 3 गुणा हो जाती, और यहां पर मैंने Vml यानी V गुणा बढ़ा दिया आयतन को, तो तुल्यांक की चालकता है वो भी चालकता से कितना गुणा बढ़ जाएगी, V गुणा, यानी तुल्यांक की चालकता बराबर कप्पा इंटू V, ये हो गया तुल्यांक की चालकता का सूत्र। अब यहां पर देखो मैं एक, जैसे आप पढ़ते हैं मोलरता, वैसे एक होती है नॉर्मलता, इस नॉर्मलता का सूत्र हम यहां पर पुट करेंगे। देखो नॉर्मलता जैसे मोलरता होती है सेम वैसे ही होती है। देखो मोलरता क्या होती है पहले इसको समझो, वैसे तो पढ़ी हुई है आपने। मोलरता क्या होती है, किसी 1 लीटर विलयन में घुले हुए विलेय के मोल, 1 लीटर विलयन में घुले हुए विलेय के मोल बटे विलयन का आयतन, और आयतन किस में होना चाहिए, लीटर में, ये होता है मोलरता। सेम ऐसे ही नॉर्मलता है, देखो थोड़ा सा अंतर है दोनों में, अंतर क्या है, 1 लीटर विलयन में घुले हुए विलेय के मोल उसको तो कहेंगे मोलरता, और 1 लीटर विलयन में घुले हुए विलेय के ग्राम तुल्यांक, मोल की जगह पर क्या ले लिए, ग्राम तुल्यांक, कि 1 लीटर विलयन में विलेय का कितना ग्राम तुल्यांक घुला हुआ है उसको कहते हैं नॉर्मलता, यानी इसका सूत्र हो जाएगा विलेय का ग्राम तुल्यांक, विलेय का ग्राम तुल्यांक बटे विलयन का आयतन, और आयतन किसमें, लीटर में, और अगर आयतन आप मिलीलीटर में लेते हैं तो यहां पर अपन मल्टीपल करते हैं 1000, तो इसमें भी अगर आयतन ml में है तो यहां पर मल्टीपल कर देते हैं अपन 1000 से, ये देखते हैं, ये होता है नॉर्मलता का सूत्र। तो अपन ने यहां पर जो तुल्यांक की चालकता ज्ञात कर रहे हैं इसमें देखो नॉर्मलता n बराबर विलेय का ग्राम तुल्यांक, विलेय का कितना ग्राम तुल्यांक बोला है हमने, 1 m, 1 ग्राम तुल्यांक बोला है, यानी 1 × 1000 बटे आयतन, आयतन ml में, ये देखो हमने कितना लिया आयतन, Vml, तो बटे V, यानी नॉर्मलता बराबर हो गई 1000 बटे V। तो यहां से हम ये लिख सकते हैं कि V बराबर क्या हो जाएगा, 1000 बटे N, और ये V का सूत्र मैं यहां पर रख देता हूं, तो लेमड़ा ही बराबर हो जाएगा कप्पा गुणा 1000 बटे N। N क्या है, सांद्रता को व्यक्त करने की विधि है जिसका नाम होता है नॉर्मलता। तो ये हो गया तुल्यांक की चालकता बराबर चालकता इंटू 1000 बटे नॉर्मल, इस तरह से अपन निकाल सकते हैं तुल्यांक की चालकता। तुल्यांक की चालकता के बाद में देखते हैं मोलर चालकता, दोनों में ज्यादा डिफरेंट नहीं है, दोनों सेम ही मिलती जुलती है। मोलर चालकता को दर्शाते हैं लेमड़ा एम के द्वारा, लेमड़ा एम के द्वारा शो करेंगे इसको, देखो वही दो इलेक्ट्रॉन है उतनी ही दूरी पर, 1 सेंटीमीटर दूरी पर रखे हुए हैं, और वही 1 ml विलयन अपने को इसके बीच में बनना है, बस आपको चेंज इस बार ये करना है कि इस 1 ml विलयन में विलेय पदार्थ, पिछली बार तो आपने कितना बोला था विलेय पदार्थ, 1 ग्राम तुल्यांक, और अब इसमें हम विलेय पदार्थ बोलेंगे 1 मोल। पहले तो हमने विलेय पदार्थ बोला था 1 ग्राम तुल्यांक, 1 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे हुए दो इलेक्ट्रोडों के मध्य 1 ml विलयन भरा था जिसमें विलेय पदार्थ का 1 ग्राम तुल्यांक घुला हुआ था, तो उस विलयन की चालकता को हमने तुल्यांक की चालकता कहा था। और अब हमने थोड़ा अच्छा देखो चेंज क्या किया है, 1 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे हुए दो इलेक्ट्रोडों के मध्य 1 ml विलयन भरा है जिसमें विलेय पदार्थ का 1 मोल घुला हुआ है, तो इस विलयन की जो चालकता होगी उसी को अपन कहेंगे मोलर चालकता यानी लेमड़ा एम, बस इतना अंतर है।
एक सेंटीमीटर की दूरी पर रखे हुए दो इलेक्ट्रॉनों के मध्य एक एमएल विलयन भरा हुआ है तथा विलयन में विलय पदार्थ का एक मोल घुला हुआ है, तो उस विलयन की चालकता को ही तुल्यांक सॉरी मोलर चालकता कहा जाता है। यानी उसकी मोलर चालकता किसके बराबर है, चालकता की, मोलर चालकता बराबर चालकता। सेम वही तरीका हो गया, बस थोड़ा सा डिफरेंट किया हमने, तो आगे भी वैसे ही निकालेंगे। फिर एक एमएल विलयन में अभी अपन ने देखा था कि विलय पदार्थ का एक ग्राम तुल्यांक बोलना पॉसिबल नहीं है, ठीक वैसे ही एक एमएल विलयन में विलय पदार्थ का एक मोल भी घोलना पॉसिबल नहीं है। यानी एक एमएल में ये विलय पदार्थ इतना नहीं घुलेगा, तो अपन आयतन को बढ़ा करके कर देते हैं कितना, वीएमएल कर देते हैं। एक एमएल में तो इतना पदार्थ घुलेगा नहीं, तो आयतन अपन ने एक एमएल से बढ़ा करके कितना कर दिया, वीएमएल कर दिया। तो मोलर चालकता भी बराबर हो जाएगी कप्पा इंटू सॉरी वी। और अब वीक की जगह अपन क्या रखेंगे, पिछली बार तो अपन ने रखा था नॉर्मलता, क्योंकि पिछली बार तो ग्राम तुल्यांक बोले थे आपने, तो ग्राम तुल्यांक तो नॉर्मलता से संबंधित होता है, और इस बार आपने बोला है मोल, और मोल संबंधित होता है मोलरता से। देखो मोलरता बराबर विलय का मोल, विलय के मोल बटे विलयन का आयतन, और आयतन अगर एमएल में हो तो ऊपर गुणा 1000। तो यहां पर देखो विलय का मोल बोला है अपन ने, कितने मोल बोले, एक मोल गुणा 1000 बटे विलयन का आयतन कितना है, वी एमएल, एमएल में है ये लीजिए। तुल्यांक की चालकता में हमने लिखा था कि एन बराबर 1000 बटा वी, और यहां पर हो गया एम बराबर 1000 बटे वी, तो यहां से वी बराबर क्या हो जाएगा, 1000 बटे एम, और ये मान में रख देता हूं यहां पर, तो लेमड़ा एम बराबर हो जाएगा कप्पा इंटू 1000 बटे मोलरता यानी एम। देखिए दोनों में कोई ज्यादा डिफरेंट नहीं है, तुल्यांक की चालकता बराबर यह आया था कप्पा इंटू 1000 बटे नॉर्मलता, और इसमें आ गया है बटे मोलरता। तो ये हो गई है तुल्यांक की चालकता और मोलर चालकता, दोनों में कोई ज्यादा डिफरेंट नहीं है, परिभाषाएं भी दोनों की लगभग सेम मिलती जुलती हैं, बस थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है कि मोलर चालकता में विलय पदार्थ का एक मोल घोलते हैं, जबकि तुल्यांक की चालकता में विलय पदार्थ का एक ग्राम तुल्यांक घोला जाता है। तो तीनों प्रकार की चालकताएं अपन ने पढ़ ली हैं। देखिए अभी तक अपन ने क्या क्या पढ़ लिया है, चालक तो पढ़ लिया, फिर उसके बाद में चालकता, फिर उसके बाद में मोलर चालकता और तुल्यांक की चालकता। ये सभी चीजें पढ़ ली हमने, पहले चालक तो पढ़ा, फिर उसके बाद में कप्पा यानी चालकता, फिर उसके बाद में तुल्यांक की चालकता और मोलर चालकता। अब अपन पढ़ेंगे इन जितनी भी प्रकार की अपन ने चालकताएं पढ़ी हैं, इनका सांद्रता के साथ में क्या संबंध होता है, सांद्रता या तन्नुता का इन पर क्या प्रभाव होता है। चालकता का तो वैसे अपन पहले भी पढ़ चुके हैं, सांद्रता और तन्नुता ये अपन जानते हैं एक दूसरे की होती है व्युत्क्रमानुपात। तन्नुता का मतलब होता है जो भी विलयन है उसमें पानी मिलाना, यह जैसे कोई विलयन है 2 लीटर विलयन है, इसमें मैंने विलय पदार्थ घोल दिया, अब इसकी तन्नुता का मतलब है इसमें आप हाथ से पानी और मिलाए और मिला दीजिए, उसको तो कहते हैं तन्नुता। और जैसे जैसे आप इसमें पानी मिलाएंगे वैसे वैसे सांद्रता में कमी होगी, क्योंकि वही विलय पदार्थ है। अभी जैसे इसका आयतन मान लीजिए 2 लीटर है और आपने मान लीजिए बढ़ा करके 5 लीटर कर दिया, तो सांद्रता में कमी ऐसे होती है कि पहले तो वही विलय पदार्थ 2 लीटर में घुला हुआ था, और अब वही विलय पदार्थ और घोला नहीं है ना आपने, तो वही विलय पदार्थ 2 लीटर की बजाय 5 लीटर में घुला हुआ है, यानी उसकी सांद्रता क्या हो गई है, कम हो गई। तो यहां पर अपन सांद्रता या तन्नुता एक ही बात है, सांद्रता को बढ़ाएंगे तो तन्नुता कम हो जाएगी, तन्नुता को बढ़ाएंगे तो सांद्रता में कमी हो जाएगी। तो सबसे पहले तो अपन देखते हैं चालकत्व का संबंध, चालकत्व का संबंध हमने पहले भी देखा था, जो चालकत्व है वो आयनों की संख्या पर डिपेंड करता है, किस पर, आयनों की संख्या पर। शुरू में हमने पढ़ा था चालकत्व को प्रभावित करने वाले कारक, जिसमें टेम्परेचर अंतरायन आकर्षण बल वगैरह पढ़े थे, तो उसमें अपन ने सांद्रता ही पढ़ी थी।
ये जैसे विलेय पदार्थ है, इसमें जैसे आप बाहर से तनुकरण करेंगे यानी विलायक मिलाएंगे, विलायक मिलाने से क्या, किसी भी विलेय पदार्थ को अगर आप विलायक में घोल के विलयन बनाते हैं तो उस विलेय पदार्थ का कभी भी 100% आयनन नहीं होता है। जैसे यहां पर जो विलेय पदार्थ है उसका मान लो 80% आयनन हुआ है, मतलब उसके 80% जो मोल थे वो तो अपने धनायनों में ऋणायनों में टूट गए हैं और बाकी के 20% मोल ऐसे हैं जो कि अभी तक धनायनों ऋणायनों में विभक्त नहीं हुए हैं। यहां पर जैसे ही आप बाहर से इसमें विलायक मिलाओगे यानी इसका तनुकरण करोगे, तनुकरण करने से हमेशा ये जो आयनन की मात्रा है इसमें वृद्धि होती है। जैसे जैसे बाहर से पानी मिलाएंगे तो ये 80% से फिर 81% 82% बढ़ता जाएगा। आयनन की मात्रा, आयनन की मात्रा बढ़ने का मतलब ये हो गया कि आयनों की संख्या बढ़ गई और आयनों की संख्या बढ़ गई तो उसमें से धारा का प्रवाह ज्यादा होगा, यानी उनमें उसका विलयन का चालकत्व क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। तनुता में वृद्धि करेंगे तो चालकत्व में भी वृद्धि होगी। क्यों होगी? क्योंकि तनुता में वृद्धि करने से आयनों की संख्या में वृद्धि होती है। तनुता बढ़ाने का मतलब सांद्रता कम कर रहे हैं, ध्यान रखना। यहां पर अगला ऐसे भी पूछ सकता है कि सांद्रता कम करने से क्या होता है, तनुता को बढ़ाते हो सांद्रता को कम कर दो, एक ही बात है। तनुता में वृद्धि करेंगे तो आयनों की संख्या में वृद्धि होगी और उससे चालकत्व में भी क्या प्रभाव पड़ेगा, चालकत्व में भी वृद्धि हो जाएगी। ये तो हुआ तनुता का या सांद्रता का चालकत्व पर प्रभाव। ठीक यही प्रभाव होता है तुल्यांक की चालकता और मोलर चालकता, इनके लिए भी आप सेम ही बता सकते हैं। अगर आपको अगला पूछे कि मोलर चालकता का सांद्रता के साथ में या तनुता के साथ संबंध बताइए, आप ये कहेंगे कि तनुकरण करने से, सांद्रता में कमी करने से या तनुकरण करने से, एक बात है, तनुकरण करने से विलयन में आयनन की मात्रा बढ़ती है अर्थात आयनों की संख्या में वृद्धि होती है, परिणाम स्वरूप विलयन की मोलर चालकता या तुल्यांक की चालकता या चालकत्व तीनों में ही वृद्धि होती है। क्योंकि ये सभी चालकत्व, मोलर चालकता और तुल्यांक की चालकता ये डिपेंड करती हैं आयनों की संख्या पर। आयनों की संख्या जितनी ज्यादा होगी चालकत्व, मोलर चालकता और तुल्यांक की चालकता उतनी ज्यादा होगी, तो तनुता में वृद्धि करने से इनमें सब में क्या होती है, वृद्धि होती है और चालकता में होती है कमी। अब देखो चालकता में कमी क्यों होती है इसके बारे में देखेंगे। ये सभी तो डिपेंड करते हैं आयनों की संख्या पर और चालकता है ये डिपेंड करता है प्रति इकाई आयतन आयनों की संख्या। यानी एक तरह से आप ये कह सकते हैं कि आयनों के घनत्व पर डिपेंड करता है कि इकाई आयतन में कितने आयन हैं, उनकी संख्या पर डिपेंड करती है चालकता। तो अब तनुकरण करने से इस चालकता में कमी होती है, कैसे होती है ये देखिए। ये अपने पास में है एक विलायक, ये एक पात्र है और ये मान लीजिए इसमें मैंने 2 लीटर विलयन भर रखा है, ठीक है। मान लीजिए इसमें जो विलेय पदार्थ मैंने भरा है उस NaCl भर रखा है, मान लीजिए पानी में मैंने नमक घोल दिया, NaCl घोल दिया, 2 लीटर पानी में नमक घोल करके उसका विलयन बना दिया, तो मान लीजिए इसमें NaCl का 70% आयनन हो गया। कितना आयनन हो गया, 70% आयनन हो गया, समझ गए। यानी अगर हमने 100 मोल घोले तो उसमें से 30 मोलों का आयनन नहीं हुआ और 70 मोलों का आयनन हो गया। मान लो इस 2 लीटर में हमने NaCl के 10 मोल घोल दिए, ये मान लेते हैं इसलो, तो 10 में से 7 का आयनन होगा, 70% आयनन हो रहा है, तो 10 NaCl में से 7 NaCl का क्या हो जाएगा, आयनन। यानी 7 तो क्या बन गए, Na प्लस और 7 ही क्या बन गए, Cl माइनस। यानी प्रति इकाई आयतन 2 लीटर विलयन में टोटल कितने आयन हो गए, 7 और 7 14 आयन है। जब आयतन है 2 लीटर तो उसमें टोटल कितने आयन है, 14 आयन। अब अपन इस विलयन का करते हैं तनुकरण और चेक करते हैं कि प्रति इकाई आयतन में आयनों की संख्या पर क्या प्रभाव पड़ता है। बाहर से अपन इसमें मिला देते हैं विलायक, ये मैंने विलायक मिलाया, बाहर से पानी मिला दिया और पानी मिला करके इसका आयतन मैंने कर दिया 3 लीटर। पानी मिला लेंगे तो आयनन की मात्रा बढ़ेगी, मान लीजिए आयनन की मात्रा जो 70% थी वो बढ़कर के हो गई है अब 80%।
यानी पहले सात मोलों का आयनन सात अणुओं का आयनन था, अब आठ अणु आयनित तो हो गई। यानी पहले तो सात धनायन और सात ऋणायन थे दो लीटर में, तो लेकिन अब तीन लीटर में आठ तो बन गए धनायन और आठ ही बन गए हैं ऋणायन। तो तीन लीटर वीरियन में टोटल आयन कितने हो गए, आठ धनायन और आठ ऋणायन, यानी टोटल सोलह आयन। इस तरह से अपने को धीरे धीरे आयतन बढ़ाना है। फिर मान लीजिए और मैंने इसका तनुकरण किया और आयतन को चार लीटर कर दिया, आयनन की मात्रा मान लीजिए बढ़ करके हो गई है 90%, यानी 10 में से 9 अणु टूट गए हैं, एक ही अणु ऐसा है जो नहीं टूटा है, बाकी 9 अणु Na+ और Cl- में विभक्त हो चुके हैं। यानी 9 तो बन गए हैं Na+ और 9 ही बन गए Cl-। तो टोटल कितने आयन हो गए, 4 लीटर विलयन में आयनों की संख्या हो गई है 18। अब देखो धीरे धीरे आयतन तो बढ़ रहा है, आप मिला रहे हैं तो आयनों की संख्या भी बढ़ रही है। पहले देखो सात और सात 14 आयन थे, फिर आठ और आठ 16 आयन हो गए, फिर नौ और नौ 18 आयन हो गए, आयनों की संख्या भी बढ़ रही है। लेकिन अपने को ये देखना है कि प्रति इकाई आयतन में आयनों की संख्या कम हुई, एक ज्यादा हुई, यानी एक लीटर के हिस्से में कितने आयन आ रहे हैं। तो यहां पर देखो दो लीटर में 14 आयन है, तो एक लीटर के हिस्से में 7 आयन आ रहे हैं, यानी प्रति इकाई आयतन आयनों की संख्या 7 है। यहां देखिए 3 लीटर में 16 आयन है, तो 1 लीटर के हिस्से में कितने आयन आएंगे, 5 पॉइंट समथिंग आयन आएंगे। 4 लीटर में टोटल 18 आयन है, तो 1 लीटर में कितने आयन होंगे, आयनों की संख्या में तो वृद्धि हो रही है, आयतन बढ़ा रहे हैं, आयनों की संख्या भी बढ़ रही है, लेकिन 1 लीटर के हिस्से में जो आयन है, यानी प्रति इकाई आयतन में आयनों की संख्या, वो देखो धीरे धीरे कम हो रही है। पहले 1 लीटर में 7 आयन थे, फिर 1 लीटर में 5 पॉइंट कुछ आयन हुए, और फिर 1 लीटर में 4.5 आयन हो गए, और धीरे धीरे इसकी जो आयनों की संख्या इसमें कमी होती जाएगी। प्रति इकाई आयतन, यानी आप ये कह सकते हैं इसको घनत्व बोल सकते हैं, चाहे आयनों का घनत्व। तो तनुकरण करने से, ये देखो अपन ने तनुकरण किया, इसका जल मिला रहे इसमें बाहर, तनुकरण करने से आयनों की संख्या बढ़ती है, और आयनों की संख्या बढ़ने से चालकत्व, मोलर चालकता, तुल्यांकी चालकता, ये सारी चीजें बढ़ जाती हैं आयन बढ़ने से। परंतु प्रति इकाई आयतन आयनों की संख्या में कमी होती है, जिसके परिणाम स्वरूप चालकत्व में भी क्या होती है, कमी होती है। ये है इन सभी चालकताओं पर तनुकरण का प्रभाव। तनुकरण करने से इन पर इनमें सब में वृद्धि होती है, और केवल एक चालकता है जिसमें क्या होती है, कमी होती है, ये इनका प्रभाव होता है। थोड़ा सा ध्यान रखना, चालकता को अलग से ध्यान में रखना है, कि जो चालकता है वो कुल आयनों की संख्या पर डिपेंड नहीं करती है, बल्कि प्रति इकाई आयतन में जो आयन होते हैं उनकी संख्या पर डिपेंड करती है। अब मान लीजिए अपने पास में कोई विलयन है, आप उस विलयन का तनुकरण कर रहे हैं, विलयन में अपन बाहर से मिला रहे हैं जल, विलायक मिला रहे हैं, तो उसका तनुकरण हो रहा है। तनुकरण होने से अपने को पता है कि आयनों की संख्या बढ़ेगी, और आयनों की संख्या बढ़ने से तुल्यांकी चालकता या जो मोलर चालकता है इसमें भी क्या होती है, वृद्धि होती है। शुरू में हमने जो विद्युत अपघट्य थे उनको बांटा था दो भागों में, प्रबल और दुर्बल। यहां पर तुल्यांकी चालकता के आधार पर प्रबल और विद्युत दुर्बल विद्युत अपघट्यों को अपन दोबारा से बता सकते हैं, दूसरे प्रकार से उनको परिभाषित कर सकते हैं। देखो जो विद्युत अपघट्य प्रबल होंगे तो उनका प्रबल किसको कहते हैं, जिसका लगभग पूर्णतः आयनन हो जाता है। मान लीजिए जो विद्युत अपघट्य है वो प्रबल है, उसका 90% आयनन हो गया। अब अगर आप इसका तनुकरण करेंगे तो इसमें आयनन की मात्रा बढ़ेगी, लेकिन बहुत ही कम बढ़ेगी, क्योंकि आयनन तो लगभग पूरा हो चुका है, 90% तो हो ही गया ना। अब अगर आप इसमें बाहर से विलायक मिला रहे हैं तो आयनन की मात्रा धीरे धीरे बढ़ेगी, जैसे 90% से 91% हो गई, 92 हो गई, 93 हो गई, धीरे धीरे वृद्धि होगी। और अगर आयनन की मात्रा में धीरे धीरे वृद्धि हो रही है तो तुल्यांकी चालकता में भी धीरे धीरे, यानी आंशिक वृद्धि होती है, ज्यादा वृद्धि नहीं होगी प्रबल विद्युत अपघट्य के लिए। लेकिन अगर यही विद्युत अपघट्य आपका दुर्बल है तो दुर्बल विद्युत अपघट्य का होता है आंशिक आयनन, मान लीजिए केवल 30% आयनन है। अब जैसे आप बाहर से विलायक मिलाएंगे
तो आयनन की मात्रा तेजी से बढ़ेगी। भाई यहां पर तो बढ़ने के लिए जगह ही नहीं है, 90% तो रखा है पहले से, बढ़ने के लिए जगह कितनी है मात्र 10%, और यहां पर बढ़ने के लिए जगह कितनी है 70%। तो ये तेजी से बढ़ेगा, 30% से सीधा 40%, 45%, 50%, तेजी से वृद्धि होगी आयनन की मात्रा में, और आयनन की मात्रा तेजी से बढ़ेगी तो जो तुल्यांकी चालकता है इसमें भी तीव्र वृद्धि होती है। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि तनुग्रहण करने से यदि तुल्यांकी चालकता में आंशिक वृद्धि होती है तो उसे प्रबल विद्युत अपघट्य कहते हैं, एवं यदि तनुग्रहण करने से तुल्यांकी चालकता में यदि तनुग्रहण करने से तुल्यांकी चालकता में आंशिक वृद्धि होती है तो उसे प्रबल विद्युत अपघट्य कहते हैं, और अगर तनुग्रहण करने से तुल्यांकी चालकता में तीव्रता से वृद्धि होती है तो उसे दुर्बल विद्युत अपघट्य कहते हैं। और बाहर से जैसे जैसे आप इस विलयन में पानी मिलाएंगे तो धीरे धीरे इसके आयनन की मात्रा बढ़ती जाएगी, और लास्ट में बढ़ती बढ़ती एक स्थिति ऐसी आ जाएगी कि आयनन की मात्रा कंप्लीट कितनी हो जाएगी 100%। उस स्थिति को अपन कहते हैं अनंत तनुता, क्योंकि इसमें जब आप बहुत सारा विलायक, अनंत मात्रा में विलायक मिला चुके होंगे तब जाकर के ये स्थिति आती है कि 100% आयनन हो जाता है। तो उस स्थिति को अपन अनंत तनुता कहते हैं। अब पूरा आयनन हो गया, अगर अब और विलायक मिलाएंगे तो आयनन के बढ़ने की कोई गुंजाइश नहीं है। अर्थात अनंत तनुता के पश्चात मोलर चालकता या तुल्यांकी चालकता में कोई वृद्धि नहीं होती है, वह स्थिर हो जाती है। और इस स्थिति में जो मोलर चालकता होती है उसे अनंत तनुता की मोलर चालकता लैम्ब्डा इन्फिनिट एम के द्वारा प्रदर्शित करते हैं, अनंत तनुता की मोलर चालकता। जब 100% आयनन हो जाता है, बहुत सारी तनुता कर देते हैं, अनंत तनुता कर देते हैं, तो पूरा आयनन हो जाता है, उसके बाद में आयनन की मात्रा बढ़ना बंद तो तुल्यांकी चालकता और मोलर चालकता में भी वृद्धि होना बंद हो जाता है। और उस स्थिति में जो मोलर चालकता होती है उसको अनंत तनुता की मोलर चालकता कहा जाता है। ये थी तुल्यांकी चालकताएं और मोलर चालकता। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।